अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से और अल्लाह के करम से हम लोग भी अच्छे हैं। बस तो आज की वीडियो का शुरुआत हो रहा है हम लोगों के सुबह की चाय से। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज जो है जा रही हूँ दावत में। आज रात में दावत है हम लोगों की, तो वहीं जाऊंगी और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर पॉसिबल हो सका तो, नहीं तो फिर देखते हैं। तो चलिए, चाय नाश्ता करने के बाद दोपहर में मैंने बनाया था एकदम सादा सा खाना, मतलब ये भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, चावल और अरहर की दाल। क्योंकि ना बहुत दिन हो गया था सादा खाना खाए, जो उस दिन हम बनाए थे ना वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो बस उसी दिन सादा खाना ही बना था, तो फिर तब से आज मैं बना रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भिंडी की एक मैंने रेसिपी भी शूट की है जो कि आप लोगों को वीडियो में ही मिलेगी आगे चल के, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो जी, खाना वाना खाने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद यहाँ पे रेडी हो गए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिरर जो है वो एकदम गंदा सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आने के बाद हम साफ़ कर लेंगे। थोड़ा लेट हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने वीडियो को शूट नहीं किया। हम निकल चुके हैं, 5 बज रहे हैं, लेकिन धूप कुछ इस कदर है ना कि मतलब इतना ज़्यादा प्यास लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पे गन्ने का जूस पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ना एकदम अगर दिलों को ठंडक देती है तो बस यही सारी चीज़ें। पानी चाहे जितना पीते रहो, अब गर्मी में शादी हो गई या कोई भी फंक्शन हुआ, दावत हुई, तो उसमें बस ऐसा मतलब कुछ लिक्विडी चीज़ ही पीने का मन करता है, ठंडा ठंडा सा। तो रास्ते में ना यहाँ पे बहुत बड़ा सा मेला लग रहा है जो कि 1 मई से, मतलब आज से, मतलब कल ये वीडियो जाएगी तो फिर ये जो है 1 मई से और 6 मई तक ये मेला रहेगा। तो जिसको जिसको देखना है, जो मेला देखने के शौकीन हैं झूले वगैरह के, तो फिर वो आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा रुकिए थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो बस यहाँ पे ना कुछ बच्चे जो है वो कुछ डांस वांस कर रहे थे शायद, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैं बस खड़ी हो गई, मैंने कहा ला थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ अटल ब्रिज वो देखिए, और बहुत दिन हो गया है गए, चलेंगे कभी आप लोगों के साथ भी। ये देखिए धूप जो है वो इनके इतनी मतलब इतनी तेज़ है, 6 बज रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि 6 बज रहा है, जैसे लग रहा है एकदम दोपहर का। धूप इतनी ज़्यादा है, आँख ऐसे खुली नहीं रही है, और फोटो जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पे ये बहन को देखिए, सारी ताकत आज ये इसी में दिखा देंगी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, पर कोई बात नहीं, घूमने आई हैं फिर भी मतलब ऐसा कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ी सी वीडियो बनाएं, बहुत सारे लोग जो है वो रुक के इसको एंजॉय कर रहे थे, खूब तेज़ गाना भी बज रहा था, कॉपीराइट आ जाता नहीं तो मैं फिर वॉइस ओवर ना करती, और बस थोड़ा सा मतलब वो वाली वॉइस भी रियल वॉइस भी रहती। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटो खींचने के लिए कह रही थी तो ये वीडियो बना दिए, मैंने कहा चलो इसको भी डाल देते हैं छोटी सी क्लिप, उसके बाद हम लोग चल दिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट ही निकले थे। धूप देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी दोपहर ही है, लेकिन लेट हो गया था। फिर भी कहीं जाना आना हो तो शाम में ही अच्छा लगता है। तो ये है फूलों वाली मार्केट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हें गजरे का बहुत शौक है, ले लूँ क्या? मैंने कहा शादी वादी में अच्छा लगता है कि बस ऐसे ही चले गजरा लगा के? तो बोले कि चलो तुम कहती रहती हो तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहा पूछ लूँ कि अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, नाश्ता पानी वगैरह किया, उसके बाद मैं यहाँ आप लोगों को घर दिखा रही हूँ। घर इसलिए दिखा रही हूँ उनका ये वाला, क्योंकि ये घर बनवाए थे बस उसी के लिए, मतलब कुरान खानी की फातिहा वगैरह करवाए थे। और बहुत खूबसूरत घर है, बहुत अच्छा है, अंदर से भी बहुत अच्छा है और बाहर से भी बहुत अच्छा है, मतलब छोटा है पर बहुत अच्छा है, 3rd फ्लोर तक है। और यहाँ पे हम लोगों का खाना आ गया है, पहले यहाँ पे हलवा देते हैं उसके बाद ये बिरयानी, इतनी गरम बिरयानी और उतनी ही तीखी मसालेदार, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ के कोई भी फंक्शन में ना एक ही थाल में निकाल देते हैं, उसमें 3 या 4 लोग फिर बैठ के खाते हैं, अच्छा लगता है। पर अभी गर्मी चल रही है ना, तो बस 2-4 नहीं वाला जो खिलाया खिलाया, बाकी पानी से ही पेट भर जाता है। पर अच्छी थी बिरयानी,
और उसके बाद यहाँ पे रात में अटल ब्रिज का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो हम लोगों ने थोड़ी देर रुक के इसको एंजॉय किया और यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई अलग ही चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे भी ले लिया, शूट कर लिया। और उसके बाद जो मेला लगा है ना उसके बाजू में ही यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है वो बिकती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, खाते पीते हैं। तो अभी मेला जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, झूला वगैरह बाकी तो और सब मतलब स्टार्ट है खाने पीने वाला चीज़। तो फिर आप आ सकते हैं 1 से 6 मई के बीच में। और यहाँ पे जो है किस किस को ये क्या कहते हैं चना झोल गरम अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने घर पे, असली सुकून मिलता है अपने ही घर पे आके, चाहे जहाँ पूरी दुनिया घूम लो ना, जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो बस हम लोगों ने मतलब 11 बज गया था, तो आने के बाद हम लोग सो गए। उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन मैंने बनाया था ये भिंडी, मसालेदार भिंडी की रेसिपी। तो जल्दी से फटाफट से इस रेसिपी को आप लोग देख लीजिए, बहुत इंस्टेंट बनती है और एकदम ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अगर जिसको भिंडी नहीं अच्छी लगती है ना इस तरीके से बना के देंगे वो तो मतलब दीवाने हो जाएंगे, इस भिंडी यही भिंडी बनवाएंगे आप लोगों से, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास थोड़ी सी भिंडी, इसको हमने धुल के पोंछ लिया है। ये प्रोसेस करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर भिंडी अगर पानी रहेगा ना तो फिर आप लोगों को तो पता ही है उसमें थोड़ा सा लिसलिसापन रहता है, चिपचिपाहट रहती है, तो फिर वो फिर अच्छी नहीं लगती। बहुत लोग तो इसी वजह से नहीं खाते कि जो वो चिपचिपी बनती है। तो इस तरीके से उनको बना कर दीजिए, 100% है कि वो लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसी तरीके से भिंडी के 2 भाग कर देंगे। अगर भिंडी बड़ी बड़ी है तो फिर आप 3 भी कर सकते हैं, छोटी है तो बस खाली मतलब ये थोड़ा सा कट कर देंगे ऊपर वाला पार्ट, बाकी बस इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को काट लिया है, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी एकदम हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे और हम मसाले में डालेंगे। और सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट ये है बेसन, बेसन डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। अगर भिंडी जब हम धुल के थोड़ा सा पोछे रहेंगे ना, हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तो उसी में ये बेसन जो है चिपक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़े से तेल में। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, बहुत थोड़ा भी नहीं डालना है, उतना तेल डालेंगे कि जिसमें भिंडी पक जाए हमारी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है, उसके बाद हम भिंडी को मतलब डाल देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बेसन लगाए रहेंगे ना फ्रेंड्स तो भिंडी जो है वो बहुत अच्छी से एकदम चटपटी सी और मसालेदार सी क्रिस्पी बन जाएगी और एकदम चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, बचा हुआ बेसन जो रहेगा उसको भी हम डाल देंगे, साथ ही साथ वो कुछ इस तरीके से बेसन भी भुन जाएगा और भिंडी जो है जब इस तरीके से हो जाए हल्की सी कुरकुरी और मतलब फ्राई हो जाए तब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो कोई पैन में भी ऐसे ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, तो मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको खाली कर लेती हूँ। तो थोड़ी अगर आपके पास थोड़ी सी भी भिंडी है ना तो आप इस तरीके से बनाइए तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर हम मसाले में वैसे बनाते हैं ना तो फिर वो कम पड़ जाती है, कम मतलब क्वांटिटी कम रहती है उसकी। उसके बाद यहाँ हम डाल देंगे तेल, तेल गर्म हो जाएगा तब डालेंगे ज़ीरा और थोड़ी सी डालेंगे हींग, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट कर ऑमलेट के जैसे ऑमलेट में डालते हैं वैसे डाल देंगे। कभी कभी भैया जबान तो फिसल ही जाती है, लगातार इतना लंबा 12 मिनट तक बोलना रहता है तो बस हो ही जाता है। करी पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को भूनेंगे। उसके बाद एक टमाटर को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, मतलब टोमेटो प्यूरी बना लेंगे, उसको डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है तो थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच से इसे पकने देंगे, बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मसाला जो है वो भुन चुका है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी जबान थोड़ी बहुत फिसल जाती है वॉइस ओवर करने में तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए।
और यहाँ पे जो है मसाला भुन चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के दही, जिसे मैंने फेंट लिया है। और गैस को या तो फिर आप बंद कर दीजिए या फिर एकदम स्लो कर दीजिए, तब दही डालिएगा, नहीं तो दही फट जाएगी, जिससे हमारी ग्रेवी का कलर एकदम ख़राब हो जाएगा और बहुत ख़राब सी लगेगी। तो बस हम दही डालने के बाद एकदम धीमी आंच से इसको भून लेंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ढक देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो फिर मैं इसको भून लेती हूँ। देखिए दही जो है वो अच्छे से भून चुकी है, बिल्कुल भी फटी वटी नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाला जो है अच्छे से जब भून जाएगा ना, तब हम यहाँ पर डालेंगे हल्का गुनगुना पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि जो है ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रहेगा फिर हम पकाएंगे भिंडी को तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा तो फिर वो सालन बन जाएगा। और आप डालना चाहे तो खैर डाल सकते हैं, कोई इतना मैटर नहीं करता, बाकी तो ठीक है, इतना कम जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने नमक टेस्ट किया तो कम लगा, तो थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसके बाद ये अपनी फ्राई की हुई भिंडी डाल दी। उसके बाद खूब बढ़िया से इसे मिक्स किया और धीमी आंच से ढककर पकाया। तो फिर जब धीमी आंच से पकेगा तो भिंडी के अंदर जो है वो मसाला अच्छे से पहुँच जाएगा, तो हमारी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। ऑलरेडी मैंने इसे मैरिनेट किया था, मतलब जो बेसन और हल्दी नमक मिर्ची वगैरह लगाया था, तो इससे हमारी भिंडी में एकदम अंदर तक जो है वो मसाला पहुँच गया था। पर थोड़ी देर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये भिंडी मसाला जो है लग रहा है, देख के ही बस खाने का मन करने लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और जिस जिस ने भी खाया सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, फंक्शन में ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सका वीडियो शूट करना, क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे, तो बस जितना पॉसिबल हो सका मैंने शूट किया। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।